रोबोट एक मशीन जरूर है, लेकिन धीरे धीरे हम इंसानों की जिंदगी में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि जापान के लोग इंसानों से ज्यादा रोबोट से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए वो अच्छी खासी कीमत चुकाकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए रोबोट खरीद रहे हैं। यूं तो रोबोट्स में हमारे प्रति न तो प्यार होता है और न ही नफरत, मतलब उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन जापान में एक ऐसा एंड्रॉयड बेस्ड रोबोट बनाया गया है जो दर्द महसूस कर सकता है। इस रोबोट का नाम है इफेक्टो। जब से ये रोबोट बना है, इसमें समय समय पर बदलाव किए गए हैं। ओसाका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों जैसे रोबोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनमें फीलिंग्स लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। टीम ने रोबोट का चेहरा एक बच्चे के जैसा बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज के जरिए सिंथेटिक स्क्रीन लगाई गई है और इसी के जरिए दर्द को महसूस किया जा सकता है। अगर इसकी स्किन में पिंच किया जाए तो इसे दर्द महसूस होता है। प्रोफेसर असादा के मुताबिक अगर संभव होगा तो हमें आगे रोबोट में सिंपैथी और मोरालिटी जैसे गुण भी देखने को मिलेंगे।